Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Wow, bhai, wow, wow, wow. Myself, famous Dr. Mashur Gulati. मेरा बीपी हाई हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो, लो हो जाएगा वापस। तो देखो बैठे जी आप, ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है लो। अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप, क्या हाल है? क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो मारे देश खम्मा गड़ी अभी है? भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से दो चार किलोमीटर इधर नहीं आ सकते? इतनी बड़ी बात हो गई है डॉक्टर साहब। आइए आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा? फिलोसोफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें, टेस्ट करें। कैसा है? मीठा है। मीठा है, चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है भाई? पागल कैसे? पागल डॉक्टर है, ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं विदू साहब, 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं, तो शुगर है। टेस्ट हो गई। चलो जी, मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट रिश्ता पक्का? रिश्ता? हाँ जी। कौन सा रिश्ता? रिश्ता मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे है, पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ, वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। अरे वाओ रणदीप हुड्डा, हाय मैं सरला, अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके, 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हूँ, बड़ी फैन है तू। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार दिया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो आप इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई थी, मैं क्या करूँ? डैडी ऐश्वर्या जी आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी, देखिए ये जो इंजेक्शन आपने लगाना मेरी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है, वो क्यों शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा, कितनी कहाँ किस हद तक प्रैक्टिस करो? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी आइए जी आप रिश्ता लेके। अच्छा चलिए मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहे। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग टिंग टोंग। आए टिंग टोंग नहीं, जी घंटी लगी। ए घंटी साड़ोगे आप, इतनी ज्यादा बजा रहे हो। घंटी दरवाजा खुल गया, घंटियों क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी
सल्ला गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना, वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया। अच्छा, आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे लड़की पसंद है। ओके, वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी, आई। बेटे, मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा। मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है, कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। लेकिन थैंक यू की क्या बात है, आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ? अपने है तो डैडी डैडी चलो अपने डैडी चलो अपने डैडी अपने अपने भाई 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 डैडी बेटे मेरे को अपने का है। हाँ डैडी, रणदीप, ऐश्वर्या, आपने काफी समय फौजियों के साथ भी बिताया, क्योंकि बहुत सारे सीन जो हैं वो वाघा बॉर्डर पे भी शूट किए गए, तो आप लोग वहां पे गए। मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो सारा दिन गर्मी में ठंडी में हमारे देश की सीमा पे डटे रहते हैं, जब एकदम से उनके सामने ऐश्वर्या आई होगी तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं उस शूट पे नहीं था, ओनली शी वाज देयर एंड दे डिड नॉट मिस मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके बीच गई? हम शायद ही अपने रोज यहाँ पर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, शायद ही पहचानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना मनोरंजन हो। आप करते हैं थ्रू दी शोज एंड थैंक यू वेरी मच, एज लॉन्ग एज इट्स एक्सेसिबल टू देम। कहते हैं इस तरफ और उस तरफ, लेकिन प्यार तो उतना ही था दोनों तरफ। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं आप सबको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने फिल्म सर्वजीत का निर्देशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमंग कुमार को। उमंग भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, फिल्म मैरी कॉम के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज यहां विराजमान हो जाइए। उमंग भाई ने पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम प्रियंका चोपड़ा के साथ, अभी ये फिल्म बनाई है सरबजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है? कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया, एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। ए, अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है। ऐश इस फिल्म में रणदीप की बहन बनी है, फिल्म जोश में शाहरुख खान की बहन बनी थी। उमंग भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी हीरो को, किसी भी एक्टर को ऐश्वर्या का भाई बनने के लिए, मनाने के लिए कितने साल लगते हैं? जल्दी से तो कोई मानता नहीं होगा। नहीं नहीं, इन इन दोनों ने अपना जो किरदार है सिर्फ 15 मिनट में हाँ कर दिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं जैकी भगनानी, आपने हमेशा उन्हें एज एक्टर देखा है, इस बार वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे आए हैं। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एज ए प्रोड्यूसर सोच में कुछ फर्क आता है? मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे एक्सपीरियंस, मैं भी सीख रहा हूँ। बट जब उमंग सर को मैं 8 साल से जानता हूँ, और जब ये आए थे ऑफिस में और इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, मैं इतना भावुक हो गया कि मुझे लगा कि हमें ये फिल्म तो करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल थ्री ऑफ यू ऑल टू मेक मी अ पार्ट ऑफ सरबजीत। ये मेरी ड्रेस है, मेरी ड्रेस है। अरे मेरी ड्रेस है, मैंने कहा ना, मेरी ड्रेस है, मेरी ड्रेस है, मेरी ड्रेस है।
ड्रेस है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ए, क्यों लड़ रहे हो? ये मेरी ड्रेस चोरी किया सिद्धू पाजी। ये मेरी है। तेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुझे रजाई चाहिए। मेरी ड्रेस है। मेरी है। उमंग भाई, ये जो है ना इधर वाली, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स है लॉटरी, हम बहुत प्यार करते हैं इसको। आप करते हो? बहुत प्यार। और मुझे? इसको भी हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं बम्पर लॉटरी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक नर्स हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आइएगा, मैं बिना हाथ लगाए इंजेक्शन लगा देती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? इससे कह देती हूँ ये लगा देती है। उमंग जी, आप बायोपिक बनाते हैं ना? हाँ। तो आप मेरी लाइफ पे फिल्म क्यों नहीं बना लेते? क्या क्या किया है अपनी लाइफ में? नहीं, वही तो, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है। तो फिल्म जल्दी भी बन जाएगी और बजट भी नहीं होगा कुछ। एक्चुअली मैं भी नर्स बन बन के बोर हो चुकी है, मैं भी कुछ और बनना चाहती हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्टिंग आती है आपको? हाँ जी, जरूर। अच्छा, कुछ करके दिखाओ फिर, कुछ ऑडिशन कर लो कुछ। तो मैं हीरोइन हूँ और मान लीजिए कि ये हीरो हैं। मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए, मान लेते हैं। मान लो, वो नहीं माने। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी फिल्म में है ना। तो ये हीरो है, ये हीरोइन है। आपकी फिल्म में कोई गाना है ना रोमांटिक जो? सलामत। सलामत, सलामत। तो हम उस पे डांस कर सकते हैं? तुम डांस करोगे? आपको क्या लगता है? इनके साथ क्यों नहीं कर सकते? आपको कुछ मसाज की जरूरत है? मसाज बिना हाथ लगाए करनी पड़ेगी। उसमें कोई एक्टिंग नहीं था? ओ तो हाँ, हमें ऑडिशन देना है, हम एक्टिंग ऑडिशन दें। एक्टिंग करना है। मैं तो कहता हूँ ऑडिशन देने की बजाय तू जान दे दे। ऑडिशन देना है तुझे। इसको ना मैं कभी कभी हंटर की तरह भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे पता है, तेरी अपनी नहीं ना, घोड़े की पूंछ निकाल के लाई ना। चलो हम हमारा गार्डन सीन करो। ओहो, ये क्या है? ये मैं गार्डन की बेंच बनी हूँ, ये पेड़ है। वाओ, ये पेड़ बनी है। आई लव दिस पेड़। क्या कर रहे? कम ऑन, हम आपसे शादी करें, हमारे छोटे छोटे पेड़ होंगे, पोस्ट पेड, प्री पेड। अरे लॉटरी, मेरी सीन खराब मत करो। तुम भी तो पेड़ बनी हो, पेड़ पेड़ के साथ, पेड़ के ऊपर कभी कोई फिल्म बनती है पागल? कोई और सीन करके बताओ। कॉलेज में गोवा वाला सीन करते हैं, वो करके दिखाते हैं। ओके, ये क्या है? ये मैं बोट बनी हूँ और ये मछली बनी है। ये लो ना, चल नैया डूबने वाली है अभी। बोट बनी है? नैया डूबने वाली है। हाँ, बोट में छेद हो गया और मछली मैं खा जाऊंगा। ये क्या तरीका है? तरीका क्या है? क्या ये डंडा क्यों लेके आए हैं? बोट बनी, इतना बड़ा क्रूज और बोल रही मैं बोट हूँ? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, मैं जाती हूँ। अब मैं आपका हाईवे पे इंतजार करूंगी। हाँ, मेरे बाय बाय बाय, मेरे हाथ में लाल रंग होगा। ओके बाय। अपने अपने आपने मुझे अपने कहा? डॉक्टर साहब जाइए, काम हो रहा है इधर। जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपको सम्मानित करता हूँ, चलिए दफा हो जाइए यहाँ से। अपने अपने पागल हो गया। रणदीप भाई, ऐश्वर्या, उमंग भाई, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। यस मैम, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी मेरी शादी हुई है, सुना है ऐसे कि 4-5 साल बाद हस्बैंड थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। हस्बैंड बोरिंग हो जाते हैं? इज इट ट्रू ऐश? अभी अभी तक तो नहीं लगा सर, पर सोच के डर लगता है, इसलिए मैं। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हुआ। ये आप सवाल इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं? शादी होके 1 ही साल हुआ है, जस्ट एंजॉय, गॉड ब्लेस, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। क्या वो हमारी वजह से पूछ रहे हैं? हमारे कभी कभी 3 साल बाद बंद हो जाते हैं ना। उनको लगा कि पता नहीं के शो में अभी अभी पूछ लो। पर करते क्या आपके हस्बैंड आए साथ में? हाउ आर योर हस्बैंड?
ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। भाई साहब आपने बताया नहीं, आप क्या 5 साल बाद भी आप इतना ही प्यार करेंगे बीवी को? हाँ बिल्कुल। इतने भरे पड़े हैं? नहीं नहीं अच्छी बात है यार। सर आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक होती है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद सीधा घर ही आते हैं ना आप? घर पे ही। तो कुल मिला के आप इतना टाइम देते हैं, ठीक है यार, ऐसा मत अभी इतना डराओ मत उनको। नहीं वो दूसरों को सुन सुन करके घबरा रही है बस। यार क्या बात है, घबराइए का बस। He is a very honest man. He will continue. जी और कोई मेरे दोस्त? हेलो मैम, हेलो सर, हेलो उमंग सर। मेरा क्वेश्चन उमंग सर के लिए है। एक्चुअली मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते हो। आई एम अ बैंकर एक्चुअली एंड इन माई बैंक योर अकाउंट इज देयर। May I know how much balance? No sir, no sir, no sir, no sir. खुद तो देख ही लिया होगा। Not at all. No sir, ऐसा नहीं। देखना चाहता हूँ मैरी कॉम ने कितना कमाया और सेट से आज तक उमंग भाई। धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैमरा के पीछे ना होके कैमरा के आगे होते और स्क्रीन पे एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते? सोचा तो था बचपन में भी, वही सोच रहा था। ओके बट यस हाँ डायरेक्शन में आ गया हूँ, लेकिन कोई दूसरे डायरेक्टर मेरे को देख ले तो मैं भी आ जाऊंगा एक्टर। सर बस यही क्वेश्चन। तो वो अकाउंट वाली बात बाद में बता देना मेरे को। हाँ हाँ ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर से है। रणदीप सर हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं सर, एंड अभी आपने हाल ही में 9 सिख हॉर्सेस को और एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट भी किया है जिसको आपने नाम दिया है कैंडी। एंड सर मैं भी एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ सर। एंड अभी हाल ही में सर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हमने शक्तिमान के बारे में भी सुना है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सर? पहली व्यू तो ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसको ड्यूटी पे चोट लगी। वो किसने मारी कैसे मारी आई डोंट नो, पर जो हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ। मेरे डॉक्टर डॉक्टर खंबाटा जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घोड़ों के वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके वो ही गए थे वहाँ पे और उनका एम था कि उसको ना ही सिर्फ उसको चलाया जाए, उसको दौड़ने को भी मिले। उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी पर वो बहुत ही तकलीफ में था एंड ही पास्ड अवे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर द वंस हियर टू लुक आफ्टर देम। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो ये देखो कि आप वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए कि उनको लगे कि उनमें भी जान होती है, उनसे प्यार करो, ये बड़े प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सेम टू यू। सर सेल्फी मोमेंट हम लोग करते हैं सर। कौन सर? आइए मैम। रंदीपा जी आप, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।